स्टूडेंट्स, आज हम संविधान और संविधानवाद के बारे में पढ़ेंगे। संविधान शब्द राजनीति विज्ञान का बहुत ही सरल शब्द है। प्रत्येक विद्वानों ने इसके की अलग अलग तरीके से परिभाषा की है। संविधान जो का मुख्य कार्य है शासन के प्रत्येक अंग तथा समग्र शासन की व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाना। शासन को जो सत्ता प्राप्त होती है उसकी वैधता संविधान से ही प्राप्त होती है, इसलिए संविधान जो है वह प्रमुख कार्य शासन की सत्ता पर प्रतिबंध लगाने का करता है। संविधान राष्ट्र की एकता का प्रतीक होता है और राष्ट्रीय एकता और गौरव का मूर्त रूप होता है। आखिर वह कौन सी चीज है जिसकी रक्षा एवं समर्थन करने की शपथ लोक सेवक तथा सैनिक लेते हैं। एक नव स्वतंत्र देश की घोषणा संविधान द्वारा ही की जाती है और संविधान का संयुक्त राष्ट्र संघ में पंजीकरण होता है और इस प्रकार वह उस देश के प्रभुत्व संपन्न अस्तित्व की उद्घोषणा करता है। अतः एक नव स्वतंत्र देश के लिए संविधान का वही महत्व होता है जो व्यक्ति के लिए जन्म प्रमाण पत्र का। इसके अतिरिक्त एक संघ राज्य के लिए भी संविधान अपरिहार्य होता है, उसके बिना किसी संघ का काम ही नहीं चल सकता। संघ में हर स्तर पर सरकार होती है और शक्तियों और कार्यों का पृथक पृथक उल्लेख होता है। यह काम बिना संविधान के नहीं किया जा सकता। अंततः संविधान देश की आकांक्षाओं एवं आदर्शों का प्रतिबिंब होता है। संविधान में इन सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक लक्ष्यों का उल्लेख होने से जनता को इस बात की प्रेरणा मिलती है कि वह उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में संविधान की संकल्पना की परिभाषा बहुत ही सामान्यतः कर दी जाती थी कि संविधान शब्द का प्रयोग उस औपचारिक लिखित प्रलेख के लिए किया जाता था जिसमें शासन के बुनियादी रूप का वर्णन कर दिया जाता है। किंतु कोई संविधान कितना ही लिखित क्यों न हो वह निरंतर विकसित होता रहता है और हर प्रचलित विधि की भांति लिखित अधिनियम से उत्कृष्ट होता है। यही नहीं, अलिखित संविधान का भी अधिकांश भाग विभिन्न संविधियों के रूप में विद्यमान होता है जिन्हें समय समय पर अधिनियमित कर दिया जाता है। अतः एक लिखित संविधान को ही संविधान मानना एक पुरानी परंपरा है या पुरानी संकल्पना है। यद्यपि इस संकल्पना ने फ्रांस की क्रांति के तुरंत बाद के युग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, विकासशील देशों में भी इसका अभी भी सशक्त प्रभाव है। अरस्तु ने संविधान की परिभाषा दो अर्थों में की है। संविधान से उसका तात्पर्य था कोई विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात किसी राजनीतिक व्यवस्था के मिश्रित तत्व, और दूसरा अर्थ था वह सामान्य राजनीतिक शासन की संविधान की संख्या देता था। इस परिभाषा के अनुसार अत्याचारी शासन का भी अपना संविधान होता है। कहने का तात्पर्य है कि अरस्तु ये मानता था कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में संविधान का अस्तित्व तो होता ही है, चाहे वह लोकतंत्र हो चाहे अधिनायक तंत्र। इस प्रकार संविधान की बहुत विभिन्न प्रकार से परिभाषाएं की गई हैं, किंतु उन परिभाषाओं में संविधानवाद शब्द जो है उसके मुख्य तत्व तथा विशिष्ट बातों का अभाव पाया जाता है। वस्तुतः संविधान एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, संविधानवाद एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है जो समग्रवादी, अधिनायकवादी तथा सैनिक शासन जैसी संवैधानिक व्यवस्थाओं से पूर्णतः भिन्न होती है। संविधानवाद शब्द का प्रयोग विशेष प्रकार की उन राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है जो कुछ विशेष लक्ष्यों का परिवर्धन एवं अनुरक्षण करती है। कार्ल जे फ्रेडरिक एक विचारक हैं जिन्होंने संविधानवाद के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार से बताए हैं। संविधानवाद का पहला लक्ष्य कार्ल जे फ्रेडरिक ने बताया, राजनीतिक समाज के प्रत्येक सदस्य की रक्षा करना जिससे उसके सच्ची स्वायत्तता के लिए के
निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप न हो। संविधानवाद का दूसरा लक्ष्य धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा अन्य अधिकार। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में इस प्रकार के अधिकारों को प्राकृतिक कहा जाता था और इस विशेष क्षण का अभिप्राय था कि वे मानव प्रकृति में ही निहित होते हैं और इसलिए अपरिवर्तनीय होते हैं। आजकल मानव स्वभाव मानव अधिकार पद को पसंद किया जाता है। इस प्रकार से आधुनिक युग में मानव अधिकारों का अनुरक्षण एवं परिरक्षण करना संविधानवाद का प्रमुख लक्ष्य माना गया है। तीसरा है विधि का शासन। संविधानवाद के का आधार है विधि का शासन का लंबा इतिहास है, किंतु उसका विद्वतापूर्ण प्रतिपादन एवी डाइसी ने 1889 में किया था। उसने उसे संविधानवाद का समानार्थक माना था। संविधानवाद का चौथा लक्ष्य बताया है कार्यों तथा प्रदेश दोनों के आधार पर राजनीतिक शक्ति का विभाजन। शक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत कार्यात्मक विभाजन का संस्थागत रूप है और संघवाद प्रादेशिक विभाजन का। शक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत तथा संघवाद राजनीतिक सत्ता पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कहें तो संविधानवाद का अर्थ है राजनीतिक शक्तियों के विभाजन के द्वारा शासकों पर प्रतिबंध लगाए जाएं तथा उसी विचार को यदि हम भिन्न प्रकार से व्यक्त करें तो कहेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण को रोकना। मेहनत बेकार हो जाती है आदमी की। केंद्रीकरण को रोक। संविधानवाद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना राजनीतिक संस्थाओं का इतिहास। राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक शक्ति के प्रादुर्भाव ने मानव को इनकी निरंकुशता के बारे में सोचने को विवश कर दिया। शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। इसलिए एक चिंतनशील और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य ने प्रारंभ से ही इस राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सामाजिक रूप से कुछ नियंत्रण व बाध्यताएं राजनीतिक शक्ति के ऊपर लगाई हैं। ये बाध्यताएं परंपराएं कानूनों नियमों नैतिक मूल्यों के रूप में भी हो सकती है और संगठित संवैधानिक शक्ति के रूप में भी। संविधान ही एकमात्र ऐसा प्रभावशाली नियंत्रण का साधन होता है जो राजनीतिक शक्ति को व्यवहार में नियंत्रित रखता है और जन उत्पीड़न को रोकता है। यदि राजनीतिक शक्ति या संस्थाओं पर संवैधानिक नियंत्रण न हो तो अत्याचार करने से कभी भी नहीं चूकता। इस अत्याचार और अराजकता की स्थिति से बचने के लिए शासक और शासन को बाध्यकारी बनाया जाता है। यही बाध्यता व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षक है। यद्यपि व्यवहार में कई बार शासक वर्ग राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर भी देते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब शासित वर्ग जागरूक न हो या वह शासक वर्ग के अंधाधुंध विश्वास रखता हो। इसी कारण से राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित रखने और उसे जनकल्याण का साधन बनाने के लिए उसमें उत्पीड़न या बाध्यता का समावेश कराया जाता है। इस उत्पीड़न या बाध्यता की शक्ति को संविधान तथा सभी शासकों को नियंत्रित अधिकार क्षेत्र में रखने की संवैधानिक व्यवस्था को संविधानवाद कहा जाता है। अब हम संविधानवाद का अर्थ पढ़ेंगे। संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन उन विधियों और नियमों द्वारा होता है जो संविधान में वर्णित होते हैं। इसमें निरंकुशतावाद के लिए कोई स्थान नहीं होता और शासन का संचालन एक लोकतांत्रिक तरीके से भी किया जाता है। संविधान और संवैधानिक सरकार संविधानवाद के आधार स्तंभ होते हैं। संविधानवाद उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधान हो और शासन
संविधान के नियमों के अनुसार ही होता हो। इसलिए संविधान और संवैधानिक सरकार के बारे में भी जानना जरूरी होता है। संविधान उन कानूनों या नियमों का संग्रह होता है जो सरकार के संगठन, कार्यों, उद्देश्यों और सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों, नागरिकों के पारस्परिक संबंधों, नागरिकों के सरकार के साथ संबंधों की व्याख्या करता है। हरमन फाइनर एक विचारक हैं जिन्होंने इसे इस तरह से परिभाषित किया है कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। ऑस्टिन के अनुसार संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार के संगठन को निश्चित करता है। डाइसी कहता है कि वे सब नियम जिनके द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता को का वितरण तथा प्रयोग किया जाता है राज्य का संविधान कहलाते हैं। फ्रेडरिक के अनुसार संविधान जहां एक तरफ सरकार पर नियमित नियंत्रण रखने का साधन है, वहीं दूसरी तरफ समाज में एकता लाने वाली शक्ति का प्रतीक होता है। सी एफ स्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने कहा है कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। लोवेनस्टीन ने कहा है कि यह शक्ति प्रक्रिया पर नियंत्रण के लिए आधारभूत साधन है और उसका प्रयोजन राजनीतिक शक्ति पर सीमा लगाने व नियंत्रण के तरीकों का उच्चारण है। ब्राइस के अनुसार किसी राज्य अथवा राष्ट्र के संविधान में वे कानून या नियम शामिल होते हैं जो सरकार के स्वरूप को निर्धारित करते हैं तथा उसके अधिकारों के प्रति कर्तव्यों और अधिकारों को बतलाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संविधान शासक व शासितों के संबंधों को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कानून है। यद्यपि व्यवहार में इसका रूप अलग अलग हो सकता है, संविधान लिखित तथा अलिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यद्यपि सिद्धांत में तो संविधान शासक वर्ग पर नियंत्रण की व्यवस्था करता है, लेकिन कई बार व्यवहार में संविधान का शासक वर्ग पर कम नियंत्रण पाया जाता है। इसका कारण उस राज्य की संवैधानिक सरकार का न होना होता है। प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी में संविधान तो था, लेकिन वहां संवैधानिक सरकार नहीं थी। सारी शासन व्यवस्था पर हिटलर का निरंकुश नियंत्रण था, इसलिए संविधानवाद के लिए संविधान के साथ साथ संवैधानिक सरकार का होना भी आवश्यक होता है। संवैधानिक सरकार वह होती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं का स्थान पर केवल विधि के अनुसार ही कार्य करती हो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, इटली आदि देशों में संविधान होते हुए भी संवैधानिक सरकारों का अभाव था, क्योंकि वहां के तानाशाही शासकों के लिए संविधान एक रद्दी कागज की तरह था। इसलिए वहां पर संविधानवाद नहीं था। संविधानवाद के लिए संविधान के साथ साथ संवैधानिक सरकार का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। संवैधानिक सरकार ही संविधान की व्यवहारिक बनाती है। संविधान के व्यवहारिक प्रयोग के बिना संविधानवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान और संवैधानिक सरकार का अर्थ स्पष्ट होने के बाद में संविधानवाद की को आसानी से समझा जा सकता है। संविधानवाद आधुनिक युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उन विचारों व सिद्धांतों की तरफ संकेत करता है जो उस संविधान का विवरण व समर्थन करते हैं जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके। संविधानवाद निरंकुश शासन के विपरीत नियमों के अनुसार शासन है जिसमें मनुष्य की आधारभूत मान्यताएं व आस्थाएं शामिल हों। संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें जनता की आस्थाओं, मूल्यों, आदर्शों की को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों व सिद्धांतों के आधार पर ही शासन किया जाता है और संविधान के द्वारा ही शासक वर्ग को प्रतिबंधित व नियंत्रित किया जाता है ताकि व्यवहार में शासक वर्ग निरंकुश न बनकर जन इच्छाओं के अनुसार ही शासन करता रहे। इस प्रकार संविधानवाद एक सीमित शासन भी है क्योंकि इसमें प्रतिबंधों की व्यवस्था है। संविधानवाद को परिभाषित करते हुए अनेक विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसकी परिभाषाएं दी हैं। पिनॉक और स्मिथ के अनुसार संविधानवाद केवल प्रक्रिया एवं लक्ष्यों का ही मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक शक्तियों के संगठन का
प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व प्राचीन परंपराओं और भविष्य की आशाओं का भी प्रतीक है। सीएफ स्ट्रॉन्ग के अनुसार संवैधानिक राज्य वह है जिसमें शासक और शासक की शासन की शक्तियों शासितों के अधिकारों और इन दोनों के बीच संबंधों का समायोजन किया जाता है। कोरी और इब्राहिम के अनुसार स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। जेएस राउसेक ने कहा है कि धारणा के रूप में संविधानवाद का अभिप्राय यह है कि यह अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन के रूप में नियंत्रण की एक व्यवस्था है। केसी वियर के अनुसार संवैधानिक शासन का अर्थ किसी संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है कि निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुसार शासन ऐसा तभी संभव है जब किसी देश का शासन संविधान के नियमों के अनुसार ही चलता हो। उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य यही है कि शासन की सीमाएं बांधी जा सके और शासन चलाने वालों के ऊपर कानून के नियमों का बंधन रहे। इस प्रकार संविधानवाद जो है उसका अर्थ है उत्तरदायी व सीमित सरकार, रेस्पॉन्सिबल एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। इसके आधार हैं संविधान और संवैधानिक सरकार। यद्यपि इसकी निश्चित परिभाषा देना कठिन है, उपरोक्त सभी परिभाषाएं पूर्ण नहीं है, समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधानवाद के अर्थ बदल जाते हैं, लेकिन ये बात तो सत्य है कि संविधान लिखित या अलिखित या संवैधानिक सरकार के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से संविधानवाद जो है वह सीमित सरकार का सिद्धांत है। संविधान चाहे लिखित हो चाहे अलिखित हो, किंतु उस पर शासकों पर नियंत्रण की यदि व्यवस्था है तो वहां संविधानवाद होता है। कार्ल जे फ्रेडरिक की जो संविधानवाद के लक्ष्य हमने पढ़े, उन लक्ष्यों को पूर्ण करने वाली सरकार जहां होती है वहां संविधानवाद पाया जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम संविधान और संविधानवाद में अंतर पढ़ेंगे।